जिन्ना मर्जी पुराना फल है या भावे 25 साल पुराना फल जो यार मसले नु समझो उदे मुताबक मेडिसिन दो यार भावे खुद बनाओ खुद इस्तेमाल करो मेरे को ना हो नुकसान मैं तुहानू खुद दस देना लेकिन कम से कम मसले नु समझो मसला सारा दिमाग या तुसी लत्ता बाहों की मालिश करी जांदे हो यार घट्टो घट मसले नु समझो मोटापा यार जिन्ना मर्जी ज्यादा हो मैं कहना वेट पहलो अपना चेक कर लो तोल लवो लिख लवो उस तो बाद मेडिसिन इस्तेमाल करो अलहमदुल्ला 15 दिनों के बीच वेट लूज होना शुरू हो जाएगा यार खुद बनाओ खुद इस्तेमाल कर लो बहुत सारिया भैनों सब तो ज्यादा मेन मसला हुंदा साडे चेहरे ते बाल है किदां खत्म होणगे कम से कम यार मसले नु समझो हारमोन चेंज करो भावे 20 साल पुराना भी मसला अलहमदुल्ला कवर हो जाएगा जिन्ना मर्जी चेहरे ते बाल खुद ब खुद कवर हो जाएंगे हारमोन यार चेंज करो उपर लाने वाली कोई चीज ना दो मेडिसिन खुद बनाओ यार खुद इस्तेमाल करो मैं कह रहा यार मेरे को पैसे दो या मेरे को स्पेशली आके खड़ो चीजा मैं दसदा नोट करो खुद घर बनाओ खुद इस्तेमाल करो साडी दवाई खांदे आ किन्नी देर हो गई जनाब 15 दिन पहले लगे 2 महीने फिर लगे 1.5 महीना खा ली 15 दिन पहले महीना बाद 6 हफ्ते यानी कि 1 महीना 1.5 महीना हो गया बाबा जी 1.5 महीना हो गया अच्छा ये दौरान जरा ये दसो बेहतरी किन्नी गई या फर्क किन्ना क पिया डॉक्टर मेनू फर्क है मेनू अगे पिछे बोले हथे उठाउंदे सी ਪਹਿਲੋ ਫੜਤਾ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਠੋਂਦੇ ਸੀ ਫੜ ਕੇ ਠੋਂਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਪਾ ਠੀਕ ਆ 3 ਮਾਹ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਆ ਜੀ ਤੇ 3 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਘਰ ਚ ਮਤਲਬ ਬੇਟਾ ਲਫਾ ਕੇ ਦਾ ਕਰ 4 ਹਫਤੇ ਖਾਦੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਚ ਥੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਤਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਮਰੀਜ਼ ਜਨਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਲਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਸਰ ਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਲਾਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 1 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ 70 ਸਾਲ ਮਾਂ ਜੀ ਉਮਰ ਆ अस्सलाम वालेकुम ख्वातिनों हज़रात दुआ है अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे आप जहां भी रहें खुश रहें आबाद रहें इसी प्यारी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का करते हैं बकायदा आगाज। आज एक दफा फिर मैं मौजूद हूँ हकीम अतीकुर रहमान सन्यासी साहब के पास। एक पहले भी इनकी वीडियो बन चुकी है, उसका रिस्पांस किस तरह का आया वो भी पूछेंगे और आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि आपके साथ करना बहुत जरूरी है। ऐसे ऐसे टोटके बताए जाएंगे, ऐसे ऐसे नुस्खे बताए जाएंगे जो कि बिल्कुल फ्री होंगे। तो मजीद जो बातचीत है हकीम साहब से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या चल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? अल्लाह पाक का बड़ा फजल है जनाब। सबसे पहले तो ये बताएं जी, पहले हमने आपकी एक वीडियो बनाई है वो माशाल्लाह 1 मिलियन से ऊपर चली गई थी, मेरे ख्याल 2 मिलियन तक गई है। जी जी अनवर भाई, अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो कोई भी देख ले बहुत अच्छी सब चली है। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम दोस्तों को आई है ना मेरी वजह से, उनको ये आई है, उन्होंने बहुत सारे दोस्तों ने जो है वीडियो नहीं देखी जी, और जो है नंबर नीचे कमेंट्स में एड करते हैं, बिल्कुल अपना नंबर दें, कोई बंदा तीसरा नंबर देता है फिर उससे रابطہ करते हैं और मेडिसिन मंगवाने की कोशिश करते हैं तो फ्रॉड हो जाता है। मेरी तमाम दोस्तों से ये सबसे स्पेशली और मेन रिक्वेस्ट ये है कि मेरा नंबर सिर्फ वीडियो में होता है, मैसेज में नंबर ना चेक करें, वो कोई ना कोई और बंदा देगा तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहली बात ये है और सबसे ज्यादा इसके बाद जो मैसेज मुझे आए हैं हकीम साहब, सबसे पहली बात ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अनवर भाई शफा अल्लाह पाक के हाथ में नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने ज्यादा भी आप पेशेंट्स के रिव्यू कहेंगे हम आपके साथ ऐड करेंगे, बगल के कुछ इस वीडियो में भी हम आपके साथ ऐड करते हैं रिव्यू, जितने भी पुराने से पुराने मरीज अपना है फालिज वाले हमारे स्पेशली फालिज वाले मरीज जो है हमने दोस्तों के, अभी पहले तो रिव्यू नहीं लेते थे, अब हमने स्पेशली दोस्तों के इसरार पर दोस्तों के मैसेज पर बहुत सारे दोस्तों ने सानू कहा कि हम साहब रिकवरी पेशेंट ले जी, यानी जेड़े ताड़े को अगर मरीज ठीक हो ऐसा ओदी को वीडियो या ओदा को इंशाल्लाह वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे जो रिकवरी हुई है, जो पेशेंट इनके पास आ रहे हैं इनसे मेडिसिन ले रहे हैं क्या उन्हें आराम भी आया है या नहीं, तो वो भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा दिखाएंगे। और इसके अलावा बताएं जी फालिज जो होता है हकीम साहब जी जी, लेकिन फालिज से पहले ये बता दें कि सन्यासी ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है? सन्यासी असल में ना ये देखें ये हकीम और होता है ठीक हो गया, सन्यास का मैंने और होता है, हमारा काम जो है हम स्पेशली जड़ी बूटियों से जो है उनका जोहर निकालते हैं उनसे काम लेते हैं, जहां पर कोई मेडिसिन भी काम नहीं करती वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अक्सीर जो है वो काम करती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों के साथ हम रिव्यू ऐड करेंगे, 2-4 इधर ऐड कर देंगे और हमारा एक चैनल भी है जिसका नाम हिकमत हेल्थ 313 के नाम से है, ठीक यूट्यूब पर, यूट्यूब पर भी है, फेसबुक का पेज भी है, आप उसको लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, कुछ भी ना करें यार, सिर्फ उस पर जाके विजिट करें, तकरीबन पाकिस्तान के हर कोने से मरीज, माशाल्लाह पाकिस्तान के हर कोने से मरीज आपको उनके रिव्यू ऐड होंगे, कोई 25 साल पुराना फालिज था, कोई 10 साल पुराना फालिज था, कोई 1 माह में कवर हो गया, कोई 2 माह में कवर हो गया, जिस भी आप शहर से अल्हम्दुलिल्लाह आपको उसी शहर से
मरीज आपका उस वीडियो में मिल जाएगा, या खुद उसके घर भी तस्दीक कर सकते हैं। बताने का और दिखाने का और वीडियो असल मकसद ये है कि शफा अल्लाह पाक के, आपका मसला जितना मर्जी पुराना हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पाक फजल फरमा। एड्रेस बता दें कि आप पाकिस्तान के किस कोने में रहते हैं। जी मेरा एड्रेस जो है तहसील गोजरा, जिला टोबा टैक्सिंग, गोजरा शहर के जो है एक गांव में मैं 313 रूपों वाली में मुकीम हूँ। अच्छा। तो जिस भी दोस्त अहबाब ने आना है तो आकर कंफर्म लाजमी कर लिया करें। इधर दो दवाखाने हैं, बहुत सारे दोस्त अहबाब दूसरे दवाखाने से मेडिसिन ले जाते हैं, बाद में फिर हमें जो है वो कंप्लेन करते हैं, तो उसके हम जिम्मेदार नहीं है। जो हकीम साहब का दवाखाना है अतीको रहमान साहब का, वो मेरा ख्याल किसी शहर में नहीं है, किसी गाँव में नहीं है, ये जनाब जंगल में मंगल लगा हुआ है। तो ये आस पास आप देख सकते हैं बागात है, तो ये सब अल्लाह का फजल है। और अलहमदुल्ला फालिज के अलावा भी जो भी प्रॉब्लम हो ना, अभी किडनी डायलिसिस की अभी आपने आपके थोड़ी देर पहले मेरे सामने जी बिल्कुल एक पेशेंट आया भी था, जी, पेशेंट आया हुआ था। सबसे जो मेन चीज है ना, मसला मैं कहता हूँ जो कोई भी हो जी, जो कोई भी हो ठीक है, उसको सिर्फ समझे, उसके मुताबिक इलाज करे, अल्हम्दुलिल्लाह मसला मुकम्मल कवर हो जाएगा। चले जी साथ में चलते हैं और साथ में आपसे बातचीत करते हैं। जो फालज है, आप फालज पे बात कर रहे हैं जी। फालज की सबसे जो मेन चीज है ना, मैंने दोस्तों को बताई है, सबसे जो मेन चीज ब्लड की सर्कुलेशन ठीक करें। पहले भी मैंने वीडियो में बताई है, मसला यार सारा दिमाग में होता है। फालज है क्या? फालिज को मेडिकल लाइन में ब्रेन हैमरेज कहा जाता है। ब्रेन का मैना ही दिमाग होता है यार, सबसे पहली तो ये बात है ना। मुझे बहुत सारे दोस्तों से ये इख्तलाफात है कि यार आप मालिशें देते हैं, इतनी ज्यादा मालिश देते हैं, बड़ा बड़ा कुछ देते हैं, जब मसला दिमाग में है तो हो गया ना। सादा सिंपल गल है यार, पानी वाली टैंकी है ना एक, ओदे ऊपर कचरा फसिया होया वा, थलो टूटियां नू रिपेयर करियो, किदां थले पानी आएगा? जो तो मसला इत्थे है, थले मालिशां इत्थे करियो, फिजियोथेरेपी करवाई जाओ, मरीज किदां चलेगा? शफा यार अल्लाह पाक को कम से कम मसले नूं समझो, उहदे मुताबिक मेडिसिन दो, जिन्ना मर्जी पुराना मसला होवे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जात पाक फालिज का जो मसला है वो क्लियर हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जिन्ना मर्जी एक और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जिहड़ी क्रिएट हो रही, साडियां सिस्टरां मामा जिहड़ियां साडियां भैणां जिहड़ियां हैगियां, उहनां नूं फेस ते चेहरे ते बाल जी ये बहुत ज्यादा अपना, हर साडी सिस्टर भैण एक सानूं कॉल करदी कि हकीम साहब चेहरे ते बाई जाण बाल आ फेस आ, असीं मुकम्मल हर तरह की जिहड़ी ना अपना क्रीमा थ्रेडिंग जो जो कुछ भी कर दे करवा करवा के असी अपनी सलाह कर ली मुकम्मल, लेकिन मजीद बढ़ते पे है ठीक। यानी कि जो खवातीन के चेहरे पे बाल आते हैं हाँ जी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, कोई चीज लगानी भी नहीं पड़ेगी। जबरदस्त यार, घटो घट मसले तो समझो ना। देखो ना जी अपना फेस के, अपना लेडीज फेस के अपना पर हेयर होते हैं, जो बाल होते हैं औरतों के चेहरे पे, जना बाल होंगे असल वजह की कम से कम उन्होंने समझो, सिर्फ औरतों के हारमोन चेंज हो जाते, औरतों के जो हारमोन बॉयज वाले हारमोन एक्टिवेट हो जाते, उन्होंने अंदर प्रोटीन का लैवल बढ़ जाता, एसिड तेजाबी की मात्रा ज्यादा हो जाती है उन्होंने अंदर। यानी मर्दों वाले हारमोन जिनी देर जो औरतों कन्वर्ट होंगे उन्होंने मर्दों तरह अपना फेस से बाल आने लग पे, जो अभी हारमोन अंदरों चेंज करा बाल ऐटोमैटिकली कमजोर हो गए, गिर जाएंगे, दोबारा आने भी नहीं। तो देखो ना मसला, अगर कोई सानू चीज नहीं चाहिए अपना अनवर भाई, कोई चीज नहीं ना चाहिए, पौधा नहीं ना चाहिए, असि खुदाई करिए, जड़ कढ़ीए हाँ बिल्कुल। अच्छा ये नुस्खा भी आप बता दे जो हमारे बहन भाई घर में खुद तैयार करना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये जो भी बहन भाई हमारा है वो खुद घर पर बनाए, खुद इस्तेमाल करे अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे वो कोई बचपन से मसला बना रहा है हमारी किसी भी बहन को, जितनी भी उनकी उम्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करें, लेकिन 10 साल से कम उम्र की बच्चियां इस्तेमाल ना करें, उनको इस्तेमाल करना बनता भी नहीं है। 12 13 14 साल 15 साल से ऊपर ऊपर जितनी भी बच्चियां हैं, और फिर अपना हमारी करें बिस्मिल्लाह बताएं जी नुस्खा। हाँ, नुस्खा नोट फरमा लीजिए। आपने सबसे पहले जो है वो प्याज का पानी लेना, आजकल प्याज बहुत सस्ता है, मार्केट में आसानी मिल जाता है प्याज, जो आम हांडी में डलता है खाने वाला प्याज होता है, इसका 3 किलो पानी आपने लेना है। गंधक आमला सर आपने लेनी है, सालब पंजा सालब मिश्री, चीजें नोट कर लीजिए सर, सालब पंजा सालब मिश्री, गंधक आमला सर, इश्क पंजा, जोंद बदस्तर और सर वर्किया, ये सारी चीजें आपने हम वजन लेनी है। इसको जो है आपने वो पानी में अच्छी तरह डिप करना है। वर्किया बहुत सारे दोस्तों के जहन में आएगा ये जहर होगी, जब आप उसको तकरीबन 10 से 15 दिन तक उसको डिप करके रखेंगे वो बिल्कुल जो है उसके असरात खत्म हो जाएंगे, आम खाने वाली जो हो जाएगी उसका 1% भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। जो पानी तमाम उसमें जज्ब कर लें, जज्ब करने के बाद जो है उसको अच्छी तरह बारीक सबूफ पाउडर बना लें, छोटे चम्मच का तीसरा हिस्सा सुबह शाम सादा पानी के साथ, ज्यादा से ज्यादा 2 माह इस्तेमाल करना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह चाहे 20 साल पुराने भी औरतों के चेहरे पर बाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके हार्मोन चेंज हो जाएंगे, जैसे जैसे हार्मोन चेंज होंगे वैसे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात पर। जो फेस वॉश होते हैं, क्रीमें होती हैं, केमिकल्स होते हैं, उनसे जान छूट जाएगी, मसला वो जरूरत ही नहीं है यार, मसले को तो समझे ना। असल में हार्मोन होते हैं, जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो मसला होता है, इससे हार्मोन इजिली जो है वो कवर हो जाएंगे। अच्छा इजिली मोटापे का जो नुस्खा है वो भी हमारे बहन भाइयों को बताते हैं, हर घर का जनाब ये मसला है मोटापे का। सब तो जी मेन चीज है ना सर, मोटापा जितना मर्जी ज्यादा हो ना इजीली कवर हो जाएगा, कोई मसला नहीं, लेकिन वास्ते
सब तो पहलो एक्स्ट्रा फैट चीजा मुकम्मल तौर पर अवॉइड करनिया पैनिया। पहली गल, दूसरी गल ये थोड़ी जी एक्सरसाइज करो, तीसरी गल सादा चीजा नोट फरमा देना बना के इस्तेमाल करो अलहमदुल्ला जी करें बिस्मिल्लाह जी करें, जितना मर्जी वजन हो वजन तोल के अलहमदुल्ला चीजा शुरू अपना नुस्खा शुरू कर लो, अल्लाह जब तक फजल फरमा देगी। करना की सनामकी मुसब्बर कोरतुमा तिरफला ते जनाब तुसी अजवाइन खरासानी ते राई सिर्फ सारिया चीजा जनाब लैनिया, इन्हों लैके ते अपना मुसब्बर 10 ग्राम, बाकी सारिया चीजा हम वजन लैके बाकी यानी कि चीजा 5 गुणा, मुसब्बर यानी कि 1 गुणा लेना जी, एक मुसब्बर 1 तोला बाकी सारिया चीजा 5-5 तोला, इन्हों का कावा बना के सुबह नाश्ते तो 1 घंटा बाद इस्तेमाल करना अलहमदुल्ला। पुराने तो पुराना मोटापा रुकिया तो रुकिया भी होगा, 2 हफ्ते च अलहमदुल्ला वजन कम होना शुरू हो जाएगा अपने वजन के लिहाज न और उम्र के लिहाज न जिन्ना चाहो इन इस्तेमाल कर सकते। ठीक, अच्छा हकीम साहब इसके अलावा कौन कौन सी मर्जी है जिनका इलाज आपके पास? यहाँ हर मसले का इलाज कर सकते हैं, कोई भाई अगर नहीं भी आ सकता वो अपनी मुकम्मल हकीकत बताए, मेडिसिन खुद घर पर बनाए, हम हमारी कोशिश होती है हर बहन भाई खुद घर पर मेडिसिन बनाए, अगर बना भी नहीं सकता फिर इंशाल्लाह हम हाजिर है। पूरे पाकिस्तान में या पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क से कोई हमारा बहन भाई आपसे राबता करता है वो ऑनलाइन मेडिसिन खरीदना चाहता है? जी बिल्कुल, वो सबसे पहले अपनी हकीकत लाजमी दे, क्योंकि हमारी जनरल मेडिसिन नहीं होती, ये नहीं है कि फॉलज वाला बंदा सबको एक ही दे रहे हैं, जिस तरह हर बंदे का ब्लड ग्रुप है चेंज है इस तरह हर आदमी के लिए मेडिसिन चेंज है। सबसे पहले अपनी मुकम्मल हिस्ट्री दे, हकीकत दे, उसके बाद उसके लिए जो भी अच्छी मेडिसिन होगी बता भी देंगे, अगर कहेगा भिजवा भी देंगे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। ख्वातिनो हज़रात, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको बताया, साथ में नुस्खे भी बताए, और अगर आप ऑनलाइन इनसे मेडिसिन लेना चाहते हैं वो भी सहूलत है, इनकी टीम यहाँ पे बैठी हुई है, बाकी अगर आप खुद आए तो ये सबसे बेहतर है। जी बिल्कुल, अगर आ जाए तो सबसे बेहतरीन सोल्यूशन ये है, तो अगर कोई भी आप मंगवाए ना, कोई जरूरी नहीं आपने हमसे ही मंगवाना है, आप हमसे रابطہ करें, अपनी हकीकत बताएं, हम आपको मेडिसिन बता देंगे, खुद यार घर पर बना लें, घर पे तैयार कर लें। जी बिल्कुल जनाब, बहुत शुक्रिया जी। ख्वातिन हज़रात, ये थी आज की वीडियो, आपने लाइक करना है, अपनी राय कमेंट्स में जरूर देनी है। इसी के साथ बंदा ना चीज को दें इजाजत अल्लाह ने के बाद।